बिहार के बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण साह के पुत्र की दबंग गई, हवाई फायरिंग का आरोप। मंत्री जी के बेटे और साथियों पर बच्चों और महिलाओं को पीटने का आरोप, मौके पर जुटे गांव वाले। गांव वालों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी को घेरा, हथियार लेकर पैदल भागे। गांव वालों ने मंत्री की गाड़ी में की तोड़फोड़, पुलिस और गांव वालों को समझाने में जुटी। घटना को लेकर मंत्री जी की दलील, भीड़ ने किया था उनके बेटे पर हमला। उत्तराखंड में शनिवार रात से हो रही बर्फबारी से यमुनोत्री धाम में पारा -3 तक पहुंचा। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। धर्मशाला में भारी बर्फबारी, लापता 4 लड़कों में से 2 को बचाया गया। चंबा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, डायन कुंड में 6 फीट तक जमी बर्फ। शिमला में बर्फबारी से रेलवे ट्रैक बंद, कालका शिमला रूट पर आज ट्रेन सेवा नहीं। कश्मीर में जमकर बर्फबारी, गुलमर्ग रिजॉर्ट में सैलानी खुश। पहाड़ों की रानी मसूरी में जमकर बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। मौसम विभाग के मुताबिक अभी खराब रहेगा मौसम, कुछ दिन जारी रहेगी बर्फबारी। हरिद्वार में कई घंटे तक हुई बारिश, जनजीवन पर असर। दिल्ली में अब थमा बारिश का सिलसिला, जनवरी में बारिश का 122 साल का रिकॉर्ड टूटा। मंडी के पराशर में भारी बर्फबारी, कई इलाकों में बिजली गुल, प्रशासन की एहतियात बरतने की अपील। बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी से प्रचंड ठंड, अलाव बना लोगों का सहारा। डलहौजी में बर्फबारी देखकर उत्साहित हुए पर्यटक, डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। बांदा में मौसम का बदला मिजाज, ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। धौलपुर में कड़ाके की ठंड से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, कोहरे के चलते सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा नए मामले, अकेले बेंगलुरु में 26,000 से ज्यादा केस। केरल में 45,000 से ज्यादा मामले, ये तादाद 2020 के बाद एक दिन में दूसरी बार सबसे ज्यादा। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट गिरा, अब संक्रमण की दर 13%, एक दिन में 34 मौत। दिल्ली में जनवरी में कोविड का कहर, 500 से ज्यादा मौत दर्ज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को कोरोना, अब तक संसद के 875 स्टाफ संक्रमित। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे स्कूल, सरकार का दावा, पूरा विचार करके लिया गया है फैसला। देश में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना मामले, कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के एक दिन में 439 लोगों की ली जान, 22 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंचा, तेजी से बढ़ेंगे मामले। देश में रोजाना संक्रमण दर 20% के पार, ओमिक्रॉन के संक्रामक सब वेरिएंट BA.2 की भी देश में दस्तक। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, DCP रैंक के 71 अफसर तैनात। 200 ACP होंगे तैनात, सुरक्षा एजेंसी ने जारी किया टेरर अलर्ट। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर होगी नजर, 20,000 जवानों की होगी तैनाती। गणतंत्र दिवस की परेड में एक बार नया आकर्षण, 1950 से सेना की अलग अलग वर्दियां पहनकर जवान होंगे परेड में शामिल। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। गणतंत्र दिवस परेड की जोरदार तैयारियां, शौर से लेकर संस्कृति की दिखेगी झलक, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखे तमाम रंग। रिहर्सल में दिखी भारत की सैन्य ताकत, अत्याधुनिक हथियार परेड में शामिल। परेड में इस बार अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल, फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के दौरान, भरी उड़ान। 4 MiG-17 हेलीकॉप्टर ने राष्ट्र प्रतीक चिन्ह और सेवा प्रतीक चिन्ह के साथ भरी उड़ान, दर्शक हुए रोमांचित। परेड में इस बार 75 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान, इस बार अब तक का सबसे भव्य फ्लाईपास्ट। बीजेपी के आज चुनाव टिकटों को लेकर बैठक, आखिरी 3 फेज के उम्मीदवार होंगे तय। पहले 4 फेजेस के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी, चुनावी कोर कमेटी की आज बैठक। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज, उत्तराखंड के बाकी नामों पर विचार। हरीश रावत और हरक सिंह रावत की सीटों पर होगा फैसला, हरक सिंह बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए हैं शामिल। बीजेपी का पीएम मोदी की रैली पर मंथन, उत्तराखंड में पीएम करेंगे 3 रैली, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में अल्मोड़ा श्रीनगर में रैली कर सकते हैं पीएम, तीसरी रैली हरिद्वार में मुमकिन। 7 साल पुराने केस में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट में आज होगी पेशी। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअल करेंगे संवाद, करेंगे हौसला अफजाई। एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, कई एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने को दी चुनौती। झारखंड की महंगाई के खिलाफ सरकार का कदम, पेट्रोल पर देंगे सब्सिडी। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से ट्वीट, अखिलेश के लिए लिखा
वायदे आजम का वादा, जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। मायावती पर योगी के दफ्तर से ट्वीट अटैक, लिखा योगी ने सरकारी विमान का नहीं किया दुरुपयोग, आपके राज में सरकारी विमान से मंगवाए गए थे सैंडल। मायावती का जवाबी ट्वीट, पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं। शामली के कुछ इलाकों में बीजेपी का विरोध, कुछ किसानों ने गेट पर लिखा बीजेपी वाले घुसे तो डंडे मारेंगे। अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, बोले ढाई महीने यूपी में हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा, सरकार देगी प्रवचन। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का वार, कहा उनकी हिंदुत्व अवसरवादी और सत्ता के लिए है। शिवाजी महाराज आणि याबद्दल वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे तुम्ही तिकडे, कोण आहे मी असं की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती, आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर। गोवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व सीएम दयानंद नार्वेकर ने दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से मांग, ओपिनियन पोल पर तुरंत लगे रोक। ड्रग मामले में विक्रम मजीठिया की अंतरिम बेल बढ़ी, अब 24 जनवरी तक जमान पर। इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण, 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस को किया गया नमन। नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पीएम ने इतिहास के पन्ने खंगाले, कांग्रेस पर साधा निशाना। आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के बहाने कांग्रेस को दिया सख्त संदेश, कहा डंके की चोट पर पिछली गलतियों को सुधार रहा है देश। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। अखिलेश यादव ने अमित शाह पर साधा निशाना, आज तक से बोले पहले जो हवाई जहाज में चलते थे उन्हें गली मोहल्ले में जाना पड़ रहा है, पहले चरण में 50 सीट जीतने का किया दावा। फर्स्ट फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, अलायंस क्लीन सुपर क्लीन होगा, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ा। करहल से चुनाव लड़ने के फैसले को अखिलेश ने बताया सही, कहा आजमगढ़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश ने फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा, कहा सीएम योगी को बिजली कारखाने का नाम तक पता नहीं है। कैराना पलायन मुद्दे पर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना, बोले पलायन के आंकड़े गलत, सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में। अखिलेश ने चुनावी वादों पर सीएम योगी पर साधा निशाना, पूछा जब समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली ही नहीं आएगी तो आप बिजली फ्री में देने की बात कैसे कर रहे हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ, कहा बीजेपी ने पूरे किए 2017 संकल्प पत्र के एक एक वादे। गाजियाबाद के साहिबाबाद में सीएम योगी का डोर टू डोर कैंपेन रद्द, राजीव कॉलोनी में था कार्यक्रम। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डोर टू डोर कैंपेन में लिया हिस्सा, बीजेपी के लिए मांगे वोट। लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा ये वही समाजवादी पार्टी है जिससे जनता है खफा और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम है बेवफा। यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने पहला प्रत्याशी किया घोषित, रामपुर के स्वार से हैदर अली खान को टिकट। झांसी जिले से चारों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान, जीत का भरा दम। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, शामली कैराना समेत कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ की शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी ने टीईटी परीक्षा का मुद्दा उछाला, कहा बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से पेपर हुआ था लीक, आज फिर कई जगहों पर परीक्षार्थी नहीं दे पाए एग्जाम। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एमएलसी चुनाव में ठोकी ताल, सभी 24 एमएलसी सीटों और बोचहा सीट पर लड़ेगी उपचुनाव। पटियाला शहर से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने नहीं दूंगा। केजरीवाल का नया सियासी स्टंट, कहा पंजाब चुनाव से पहले सत्येन जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी की छापेमारी पर आज तक से बोले सीएम चन्नी, बीजेपी सरकार हमेशा ऐसा करती रही है। सीएम के चेहरे को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूं, पार्टी तय करेगी आगे क्या होगा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत गुज्जर ने किया प्रचार, कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। कल बहराइच में सुभाष चंद्र जयंती कार्यक्रम के दौरान बवाल, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अधिकारियों के साथ की तीखी नोकझोंक। कार्यक्रम को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का मामला, सिद्दीकी ने कहा बीजेपी ने घबराकर रुकवाया कार्यक्रम।
मध्यप्रदेश के खरगोन में फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग, महेश्वर में है सारा अली। शूटिंग से पहले अहिल्या और किला देखने पहुंची सारा अली खान, मां अमृता सिंह भी मौजूद। लखनऊ में रकाबगंज के कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी, 3 करोड़ की नकदी बरामद। आरा में राहगीरों से लूटपाट का विरोध करने पर एक शख्स को मारी गई गोली, बाइक सवार बदमाश फरार। कौशाम्बी में चलती कार में आग, बाल बाल बचे सवार। कानपुर में बच्चों के झगड़े में भिड़े बड़े लोग, इलाके में पुलिस तैनात। हापुड़ में बुजुर्ग महिला का कत्ल, शरीर से गायब मिले गहने। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया का सुपड़ा साफ, आखिरी और तीसरे वनडे में मिली शिकस्त। दीपक चाहर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के बावजूद 288 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया, 283 रन पर ढेर, 0-3 से गवाई सीरीज। दीपक चाहर ने सिर्फ 34 बॉल में जड़े 54 रन, 5 चौके और 2 छक्के शामिल। टेस्ट में 1-2 से सीरीज गंवाने के बाद वनडे में भी टीम इंडिया को झटका, वनडे में केएल राहुल की कप्तानी फेल। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का कोहली पर बड़ा बयान, कहा टेस्ट में और 2 साल तक बने रह सकते थे कप्तान।